यदि आपका भी खाता बैंक ऑफ इंडिया में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट का स्टेटमेंट अपने मोबाइल में डाउनलोड करना सीखेंगे। तो इसे कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल में बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन BOI मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे और उसमें मोबाइल नंबर, यूजर आईडी तथा कस्टमर आईडी यहाँ पे डाल देना है और नीचे में लॉगिन पिन डालना है या नीचे से लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर BOI मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुका हूँ। अभी हमें यहाँ पे अपने अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड करना है। यहाँ जो लिखा है एम पासबुक, इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ से अपने अकाउंट नंबर को सिलेक्ट करेंगे और अपने अकाउंट का स्टेटमेंट हम कई तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला है अपने हिसाब से डेट वाइज सेलेक्ट करके अपने अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा लास्ट मंथ, लास्ट 3 मंथ, लास्ट 6 मंथ या फिर लास्ट 1 ईयर। तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से डेट डाल देता हूँ। तो यहाँ जो लिखा है फ्रॉम डेट, इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं जैसे कि 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से ओके करेंगे। टू डेट में हम आज का ही डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ओके क्लिक करेंगे। थोड़ा सा पेज को ऊपर खिसकाएंगे। यहाँ दिया है ट्रांजेक्शन टाइप डेबिट एंड क्रेडिट, हमें दोनों चाहिए। यदि आपको केवल डेबिट चाहिए या फिर क्रेडिट चाहिए तो उसे भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि मुझे दोनों चाहिए इसलिए मैं यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट दोनों को रहने देता हूँ। उसके बाद क्रेडिट स्टेटमेंट, इसमें क्लिक करेंगे। देखिए जो भी हमने यहाँ पर डेट सेलेक्ट किया है उस डेट के बीच में जितने भी हमारे अकाउंट में ट्रांजेक्शन हुए हैं उस सभी ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ गए हैं। मोबाइल को हमें ऐसे करना पड़ेगा। ये है अकाउंट होल्डर का नाम और ये है हमारा अकाउंट नंबर। इस साइड में डेट दिया है, ये है पार्टिकुलर्स, यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट है और टोटल बैलेंस यहाँ पे है। हालांकि मेरे इस अकाउंट में ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है इसलिए केवल यहाँ पे इतना ही ट्रांजेक्शन शो हो रहा है। यदि आपके अकाउंट में ज़्यादा ट्रांजेक्शन होगा तो आपने जो भी डेट सेलेक्ट किया होगा उस डेट के बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए होंगे वो सभी ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। ये ट्रांजेक्शन यदि आपको ईमेल पे चाहिए तो ईमेल स्टेटमेंट पे क्लिक करना है और यदि आपको इस ट्रांजेक्शन को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करना है तो यहाँ लिखा है जनरेट PDF, इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारे अकाउंट का स्टेटमेंट PDF फॉर्मेट में हमारे मोबाइल के अंदर डाउनलोड हो चुका है। लेकिन जब हम इसको ओपन करेंगे तो वहाँ पर पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड में हमें क्या डालना है, अपने मोबाइल का शुरू का 4 अंक तथा मोबाइल का लास्ट का 4 अंक, ये सब दोनों डालना है। चलिए ओके पर क्लिक करते हैं। अब हमें यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं। देखिए हमने यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर का शुरू का 4 अंक और लास्ट का 4 अंक यानी टोटल 8 हमें डाला है, बीच का 2 अंक हमने छोड़ दिया है। अब ओके पर क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे अकाउंट का स्टेटमेंट आ चुका है, देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग भी बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट का स्टेटमेंट अपने मोबाइल में PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें कि पूरा डिटेल दिया होगा, जैसे कि कस्टमर आईडी नंबर, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, यह है अकाउंट होल्डर का एड्रेस और नीचे में ट्रांजेक्शन दिया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नॉलेज वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।